कोशिश करेंगे क्योंकि हम थोड़े से डिफरेंट प्लान के साथ अभी हम मीटिंग करेंगे सारे अपने सिलेक्शन कमेटी रजा के, बड़ा अच्छा आइडिया, हमारे बड़े अच्छा आइडिया है कि हम वाई नॉट, क्यों सिर्फ एक जहन में है कि हम बैटिंग या टर्निंग विकेट ही होनी चाहिए, वाई नॉट, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलियन टाइप की या साउथ अफ्रीकन टाइप की पिच बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की इस तरह की पिचें होती हैं जो क्रिकेट खेली गई है आपकी, तो हम डिफरेंट चीज़ को कर सकते हैं, सामने लेके आ सकते हैं, वही ओल्ड फैशन तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम आगे वर्ल्ड नंबर वन नंबर टू पे किस तरह आएंगे जब तक हम चेंजेस नहीं करेंगे। शायद भाई तीन नाम आपने इंडक्ट करवाए तो हम ये तवक्का करें कि उनमें से कोई प्लेयर खेलेगा कल। देखें मेरे ख्याल में हमारी सिलेक्शन कमेटी का बड़ा अच्छा डिसीजन था कि हमने दो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर जिसके अंदर ले आए थे, उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे पता चला कि नसीम शाह फिट नहीं है पूरी तरीके से, तो वो हमारा डिसीजन अच्छा था। हमें अपने बॉलर्स को जो काफ़ी अच्छे से हम उन्हें कैरी कर रहे हैं, जैसे दानी की अगर बात करूँ तो दो साल से हम उसको कैरी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उसको खिलाएंगे कब, उसको चांस कब देंगे, उसको कब बॉलर बनाएंगे, तो इसी तरह हमारे और अगर मीर हमजा है तो हमारे पास, क्योंकि शाहीन नहीं है एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है और वो लड़का डिजर्व करता है, उसने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, तो वक्त का तकाजा ये है। देखें एक चीज़ मेरे ख्याल में बाबर आजम ने भी कुछ दिनों पहले कही थी एक बात कि वर्कलोड जो है वो शिफ्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात की थी, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट को कंटिन्यू खेले जा रहे हैं, कभी कभार मुश्किल हो जाता है, हमारे पास बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी के जाने से कोई कमी महसूस ना हो टीम में, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो सीनियर्स हैं तो काफ़ी दिनों से बाहर बैठे हुए हैं, तो हम जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हमारी अभी मीटिंग होगी टीम के हवाले से, पिच हमने देख ली है, अब इंशाल्लाह हमारी मीटिंग है बाबर आजम के साथ, हम मैं एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये बाबर को एज अ गुड कैप्टन की शक्ल में, जितना वर्ल्ड क्लास वो बैट्समैन है उतना अच्छा हम उनको कप्तान बनाने की सपोर्ट के लिए आए हैं यहाँ पे। थैंक यू सर।